राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी गहलोत सरकार विरोधियों के निशाने पर है, क्योंकि जिस वक्त सरकार और प्रशासन चुनाव में महरूफ था, ठीक उसी वक्त अलवर जिले में एक महिला की आबरू तार तार हो रही थी। एक शादीशुदा दलित महिला की आबरू उसी के पति के सामने तार तार हो गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने से बचती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का डर सता रहा था कि अगर ये मामला सबके सामने आ गया तो सरकार की फजीहत हो सकती है। चुनाव के बाद ही सही गहलोत सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। देखिए, बात सही है कि पिछले चार महीने में जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार विफल पूरी तरह हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, लेकिन कल की घटना में जहाँ आम मानव को पूरी तरह से झकझोरने वाली है और राजस्थान के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई, राजस्थान के ऊपर बड़ा कलंक है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि राजस्थान में सरकार और कानून व्यवस्था के नाते से कोई सिस्टम नहीं बचा है। और सरकार और इसमें, और जब हम ये कहते हैं कि चार दिन पहले की घटना को केवल चुनाव में हमें लाभ नुकसान ना हो, इस कारण से सरकार के द्वारा दबा के रखा गया, बोलजुगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि राजस्थान की सरकार अपराधियों के साथ है, मुलजिमों के साथ है और इस तरह के कृत्य करने वालों को पूरी तरह से संरक्षण देकर। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने भी इस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, मैं तो ये कहूँगी कि आज राजस्थान शर्मसार हो गया। मतलब तो इस प्रकार की घटना की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। मैं तो सीधे तौर पे गृह मंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से पूछना चाहती हूँ कि इसको छुपाने के पीछे इसका मकसद क्या है? जो जिन्होंने ये अपराध को अंजाम दिया है, क्या वो लोग कांग्रेस के वर्ड हस्त ये कार्य कर रहे थे? एक संवेदनशील मुख्यमंत्री बनने का जो ढोंग हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, अब उनके पास इसका क्या जवाब है? किस तरह से वो पति हाथ जोड़ रहा है और इतने लोगों के साथ किस तरह दरिंदगी से वो अंजाम दिया गया है? और थाना जब आज सुबह जब खबर को मैंने देखा और एसपी से बात करने की कोशिश की, तो आपको जान के और हैरानगी होगी कि उन लोग के लिए ये कोई गंभीर विषय नहीं था। FIR तक दर्ज नहीं है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये भी जानकारी मिली कि पॉलिटिकली वर्दहस्त लोग प्राप्त हैं, तो मैं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ और उनसे इस्तीफा भी मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात होगी। तुरंत उन दरिंदों की गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग की जब सरकार थी, मैं आप लोग को एक झलक दिखाना चाहती हूँ कि छोटी बच्चियों के साथ यदि कोई बलात्कार करता था तो सीधे उसको हम लोग उसकी जीवन लीला को समाप्त करने की हम लोगों ने कानून बनाई थी। आज ना हेल्पलाइन वर्किंग है राजस्थान में, ना महिला आयोग का कोई अस्तित्व है, ना पुलिस का कोई इकबाल है। पुलिस थाने में ही महिला कांस्टेबल आत्महत्या कर लेती है, तो इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और सरकार कुंभकर्ण नींद में मस्ती से सोई हुई है। बहरहाल अलवर गैंगरेप के आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त से दूर है, आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही, सवाल ये है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।